नमस्कार। ऑल इंडिया आंगन बड़ी खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। विधायक सांसद मिशन का जो अभियान शुरू कर दिया गया है, उस अभियान के तहत यूपी के हर जिले में जो है सांसद विधायकों को ज्ञापन सौंपकर आंगनबाड़ी बहनें अपनी मांगों को अवगत करा रही हैं। इसी क्रम में बुलंदशहर के अनूप शहर विधानसभा के विधायक संजय शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है और उत्तर प्रदेश के हर जिले में विधायक और सांसद को अपना जो है ज्ञापन, जब तक कंप्लीट मिशन नहीं हो जाता तब तक ज्ञापन वाला अभियान चलता रहेगा। ये एक बड़ी पैमाने पर पहल यूपी में शुरू हो गई है। आगे बढ़ने से पहले सभी बहनों भाइयों को धनतेरस की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ तस्वीरें दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए ज्ञापन की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और विभिन्न यूनियन जो है ज्ञापन दे रहे हैं। उन्हीं में से एक यूनियन है सावित्री चौधरी है, इनकी ओर से ज्ञापन दिया जा रहा है समस्याओं को लेकर। विधायक जो हैं इनको ज्ञापन सौंपा गया है और यह अभियान लगातार चलता रहेगा। ये देखिए किस तरीके से ज्ञापन, अब हम वो ज्ञापन भी आपको दिखा देना चाहते हैं। और इस ज्ञापन में विधायक अनूप शहर जो पड़ता है बुलंदशहर जनपद में, यूपी के हैं और जैसा कि अभी ऐलान कर दिया यूनियन ने, राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष सावित्री चौधरी ने बताया कि अधिकांश आंगनबाड़ी कर्मी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और ECC प्रशिक्षित हैं और 1975 से सेवाएँ दे रही हैं। 6,000 रुपये मानदेय मिलता है, निरंतर उपेक्षा हो रही है। उपेक्षा होने की वजह से नाराजगी है। अब मांगे हैं एजुकेटर भर्ती, वही पुरानी मांग है, तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और प्री प्राइमरी शिक्षक का कार्य लिया जाए। इसी के साथ ही जो है अन्य प्रकार की समस्याओं को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। प्रमोशन हेतु निर्धारित 50 वर्ष की आयु सीमा को भी समाप्त किए जाने की मांग उठी है। इसी के साथ ही पोषण सामग्री का वितरण एकल व्यवस्था के तहत कोटा डीलर एवं स्वयं सहायता के माध्यम से कराई जाए। PLI की धनराशि हमारे स्थान पर ही उन्हें दी जाए, यानी कि जो है पोषाहार संबंधी बात भी यहाँ पर की गई है। सभी प्रकार की पोषण सामग्री का वितरण तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आंगनबाड़ी कर्मी मांग कर रही हैं पोषण आहार का जो है वितरण बंद कराकर जो है पोषण सामग्री का या फिर जो पैसा आता है वो सीधे सीधे जो है उपलब्ध कराया जाए। तो एक बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई है। 7 सूत्री मांगे हैं और इसी के साथ ही राजकीय कर्मचारी का दर्जा भी मांग की जा रही है। अन्य मांगे भी हैं, कुल मिलाकर 7 सूत्री मांगों को लेकर यह अभियान शुरू हो रहा है। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए, प्रतिक्रिया दीजिए और जाते जाते सभी लोगों को हैप्पी दीपावली, धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर परिवार की तरफ से नमस्कार।